इंद्री के पास पश्चिमी यमुना नहर के पुराने पुल के नीचे एक शव बहते देखा तो लोगों ने इसकी सूचना इंद्री पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी जयपाल मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस अधिकारी जयपाल ने कहा कि शव करीब 12 वर्षीय बच्चे का लगता है। पुलिस ने यमुनानगर व आसपास के क्षेत्र में सूचना भेज दी है, लेकिन बच्चे के शव की शिनाख्त नहीं हुई है। शिनाख्त के लिए शव को करनाल के मोर्चरी हाउस में 72 घंटे के लिए रखा जाएगा। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। ऐसा है, आज थाने में इन्फॉर्मेशन आई भी इंद्री नहर के अंदर पुल के पास एक डेड बॉडी फंसी है, बच्चा है, ये नहीं पता मेल है फीमेल है। अभी मैं पहुंचा हूँ, इसको यहाँ गोताखोर की इमदाद से निकाला है और ऐसा लग रहा है ये 12 साल का है, मेल है, बच्चा है। और मैंने शुरुआती तौर पे जो है ना अपने कंट्रोल को अफसरों को इसकी इतला दे दी है और यमुनानगर में हो सकता है पीछे से आई हो, कहाँ से गिरी कहाँ से नहीं। तो अभी इसको हम शिनाख्त के लिए 72 घंटे जो है ना मोर्चरी हाउस करनाल रखेंगे। इंद्री से आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए सुरेश अनेजा की रिपोर्ट।